सत्तोर करतार के बारे में एक ही बात बताऊं, ये हो चुके हैं अब खड़के। खड़के कैसे? खड़के कैसे हो चुके? देखो, ये किसी की बात समय पे नहीं मानते, ये बिना समय चलते हैं। अगर टाइम तो हमें प्रोग्राम का है, ये कहेंगे जी हम तो इधर को लिखेंगे और मारा तो भाई इनके से एक घंटा लगेगा। अच्छा, आपके जितने भी शिष्य हैं, मुख्य शिष्य जिनके नाम हैं, उन सब के नाम भी बताएं आप, और उन सब के बारे में भी दो शब्द होने चाहिए। और आपकी जो शिष्य प्रणाली है बहुत बड़ी है, इस बात के साथ मैं अपने गुरु भाइयों को एक बात, और कुछ भाइयों के नाम रह सकते कि नहीं आए तो आप बुरा मत मानना, लेकिन मुख्यतः जो आपके शिष्य जो आपकी नज़र में रहते हैं उनके बारे में दो शब्द। शुरुआत से करूं जी? शुरुआत से, शुरू में हमारा शिष्य सबसे पहले जग्गी दोसा। जग्गी दोसा, उसके बाद जो आजकल सुबह सुबह के टाइम उठेगा तो यू कहेगा कि एक अगर पैक ना लगा तो भाई मैं नहीं उठ सकता। अगला अगला चेला, अगला चेला। अच्छा, दूसरा चेला अनुज दोसा। बहुत अच्छा गायक है अनुज दोसा, बढ़िया गायक है, एक नंबर का गायक, एक नंबर। आज क्या सीन है? अच्छा, आज सीन यू है, वो भी सुबह उठेगा तो अगर दो पैक, अगर उसे एक दो पैक नहीं मिलेंगे तो वो भी खराब है। तीसरा चेला, तीसरा चेला गजेंद्र दोसा। गजेंद्र दोसा वो जो ठाडे से है? हाँ, वो मोटल था। ड्राइविंग ड्राइविंग कर ले, वैसे तो ड्राइविंग तो कोई भी कर ले, सीखना चाहिए थोड़ा। अच्छा, उनके बारे में बताऊं, वे अगर ज्यादा घूट बल रहे और सांझ को थोड़ी सी रोटी सीजल सिखावे तो रात को किसे सोड़ नहीं दे। अगला, अगला, उनके खराटे ऐसे होते हैं। आगे चले जी, आगे चले, एक वीरेंद्र है। वीरेंद्र के पास है मीरपुर गुड्डू। हाँ, पहला चेला है। अगर वीरेंद्र कपासिया के धोरे पहुंच जाओगे, पीने में तो साथ रहेगा, पीने में तो साथ रहेगा, लेकिन हमें छोड़ के भाग जाएगा। अच्छा, और आगे चलो, पीने में तो साथ रहेगा जब हम पी रहे हैं, और जब हम पी लेंगे तो फिर उसकी पता नहीं कहां जाएगा। और अगला, अच्छा, उसके उसकी पैंट रप्टर लगे, थोड़ा उनके बटक कम है, जो पीछे बैक है वो कम है, बैक कम है, पेटी लगा लो, पेटी नहीं खेल सकते। मतलब पीछे ईंधन खत्म हो रहा। अगला चेला, अगला चेला। अच्छा, अगला चेला एक मारा हुआ है, केशव भी है। अच्छा, केशव की सुनो, केशव केशव को, केशव को जमाना ऐसा रहा है, अख केशव किसी के बस में नहीं आया, क्यों कृष्ण जी किसी के बस में आया, वो तो केशव ही है, वो किसी की परवाह ना करके उसे अपना अपना स्वार्थ चाहिए, क्या हो किसी प्रकार का। कृष्ण जी है दूसरे अपने केशव, कृष्ण जी, कृष्ण जी ना, मैंने तो उदाहरण दिया। अच्छा, और अगला चेला रितेश। रितेश दलाल, रितेश के भांग पी के भैया। अब जैसे मैं दारू पी लूं, आप सभी को बताऊं, कभी कभी पी लेते गुरु जी भी, मैं पी लूं कभी कभी, भांगते ना, छोड़ भी दूं, लेकिन बोलता तो सुध दूं। ये ऐसा बोलने लगे हैं, ये भांग भी पी लें और घुट्टी भी पी लें। अच्छा, ये सिर्फ यू सोचें
और दूसरों को ही ना बोले। भाई बोलना हो अगर तुम्हारी आवाज़ सही है तो तुम एकले बोलो, अगर तुम्हारी थोड़ी मिस्टेक करी है तो दूसरा बोल सकता है। अच्छा गुरुजी, एक आपकी शिष्या है पुष्पा गुसाई, उन्होंने भी आपका बहुत अच्छा नाम किया है। वैसे पुष्पा गुसाई का आप भी जी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पुष्पा गुसाई जैसा सुर अब भी किसी लेडीज महिला कलाकार में नहीं है। पुष्पा जी के लिए, पुष्पा एक ऐसी कलाकार है जिसने इसने इतने दिन गा के और अपने सुर को थामे रखा है अब भी, और गुरु भक्ति गुरु भक्ति भी। अगर वो कैसे ही कलाकार आ जाओ, टुट फुट चुट मुट सबके साथ में गा लेती है, लेकिन आवाज परमात्मा ने उसे भी दी है। क्या हमारे आशीर्वाद से हो या ऊपर वाले के से हो, पर देन तो उनकी है। तो आपके कहने का मतलब है कि आपके सारे चेले जो है वो शराब का सेवन करते हैं, कोई बिना शराब का सेवन करके गाने वाला भी आपका चेला? हाँ सुनो, तेरे बारे में अभी लिस्ट नहीं चढ़ी। लिस्ट में भी नाम दर्ज कराऊं भाई मेरा, देखो बहुत प्रिय चेला है अमित, और इसने जो मेरा नाम किया है उसके लिए मैं इसे पुचकारता हूँ कि ऐसा चेला अरे दो चार भी हो जाता ऐसे तो पूरे प्रांत में नाम कर देंगे। दो चार मेरे बाप का क्या रोल रहा था? तुम्हारे बाप का बहुत बढ़िया रोल रहा है, लेकिन इन डंडान से क्यों पिट्टे करे बताए ना करे, क्यों उन पर गाना ही ना हो। अच्छा एक सवाल छोटा सा मैं बीच में सॉरी बात काट के करूं, लोगों को ये भ्रम है यही सच्चाई है कि आपने अब तक की लाइफ में कई टैंकर शराब पी ली है, इसके बारे में क्या कहोगे? और मैं देखो शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और लगभग गायक के लिए शराब और लुगाईबाजी ये दो खोट होते हैं, जो इन खोट से बच गया वो कलाकार बन गया। अब ये शराब है फेफड़ों गड़ा देती है। गुरुजी आपने सबसे पहला पैक कब और कहाँ और किसके द्वारा पकड़ा था? ओके, कितने उम्र में? जब मैं पांचवी क्लास में सन पांचवी क्लास में सन लगा लो यार लगभग 65-66 करीब। हाँ 70 में तो गाने लग गए। गाने से पहले पकड़ लिया था, गाने से पहले पैक ले लिया था या बाद में? पहले गाने से पहले ही। अच्छा मैं तो छोटा सा ले लगा। इस हिसाब से 50 साल प्लस आपको शराब पीते पीते हो गई, कोई बीमारी फेफड़े में लीवर में किडनी में गले में कहीं को बीमारी कोई चीज चबक? एक दिक्कत तो हो जा, क्या जब ये ज्यादा प्यादे हैं जब थोड़ा लेट उठो जा।